हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आपको मे भी हो सकता है कुछ वॉइस आ रही होगी। मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी जिसकी वजह से मैंने कूलर यहाँ पे सेट किया है। तो अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल भी यहाँ पे सेट कूलर नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लोटिंग टी शेयर कर रही हूँ। ब्लोटिंग टी, वेट लॉस टी काफ़ी इफेक्टिव है। यानी कि कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी बॉडी काफ़ी भारी भारी सी लग रही है, आपको लगता होगा मेरा वजन 5 से 10 किलो बढ़ गया एक अचानक से आपने खाना खाया उसके बाद, आपको लगता है। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है और जिनको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उनका कभी वेट लॉस नहीं हो सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी से ब्लोटिंग कम करना है, और जिस दिन भी आपने हैवी फूड खाया है यानी कि आपने कुछ भी जंक फूड खा लिया या बाहर आपने डिनर कर लिया है, तो इस टी को लीजिए। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक महीने तक इस टी को लेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया। आपने भी देखा था कि मेरा 5 kg वेट गया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने किस तरह से 2 दिन ड्राई फास्टिंग करके उसे कम किया, देन मैंने ब्लोटिंग टी ली। तो अब मेरा फेस एंड मेरी बॉडी भी आप देख सकते हैं, नाउ आई एम मतलब मैं फिट हो गई हूँ, मैं अपने डिजायर वेट पे आ गई हूँ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे भी जल्दी जल्दी प्रेस करिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 लीटर वाटर जो है वो अपने फ्लेम पे अच्छे से गरम करना है। पहले गैस को बहुत अच्छे से तेज रखिएगा। जब वो गरम हो जाए देन आपको 1 स्टिक इसमें दालचीनी स्टिक डालनी, यानी दालचीनी जो आपको मिलती है जनरल स्टोर पे वो आपको लेना है। एक इंच का टुकड़ा डालना है। 1 चम्मच आपको अजवाइन डालनी है इसमें, और मतलब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद ही आप इसमें कुछ ऐड करिएगा जिससे कि इन्फ्यूज़ होने तुरंत लगे। आपको 1 टेबल स्पून इसमें अदरक डालना है, 1 टेबल स्पून आपको इसमें कलौंजी डालनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के चला दीजिए यानी मिक्स हो जाए। देन इसको आपको लिड से ढक देना है और लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट आपको इसे ऐसे ही ढक के पकाना है, यानी स्टीम बाहर ना निकले, सारी चीज़ें अंदर इन्फ्यूज़ हो। अगर स्टीम निकलेगी तो कुछ भी चीज़ें अच्छे से इन्फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे और टी में उसके एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे धीमी गैस करके मैंने 5 to 7 मिनट ऐसे ही इसे पकने दिया है। देन उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए यानी हल्का गुनगुना हो जाए देन आपको इसे, टी है मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, इसे आपको दिन में 3 बार लेना है। 1 कप सुबह खाली पेट, 1 कप दोपहर में खाने के बाद, 1 कप आपको रात में लेना है। 3 टाइम इसे लेना है और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 या 1.5 लीटर में, जितना भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं लीजिए। टमी बहुत अच्छे से टक होगा आपका। तो फ्रेंड्स, देखा इस टी को बनाना कितना इजी है। हर इंग्रेडिएंट आपके घर में, कुछ भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बनाइए और इसकी रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। ट्रेमेंडस रिजल्ट है। जिन जिन को भी ऐसी प्रॉब्लम है इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। बस प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के ये हर कोई ले सकता है। और अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं और उन लोगों को भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इस टी को ले सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए।